नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा से, जहां न्यायालय की बिल्डिंग से आरोपी ने अचानक छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए आरोपी को पेश करने के बाद जैसे ही बाहर लाया गया, आरोपी ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। छलांग लगाने वाले आरोपी को पुलिस और वकीलों ने पकड़ा, लेकिन आरोपी अचानक कूद गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को सजा मिलने के बाद उसने कोर्ट की पहली मंजिल से छलांग लगाई है। वहीं पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। छलांग लगाने वाले आरोपी को मामूली चोटें आई हैं। खबर के मुताबिक आरोपी को जैसे ही सजा मिली, उसने कोर्ट परिसर से भागने की ठान ली। आरोपी ने अपनी इस मंशा को अंजाम देने के लिए कोर्ट की पहली मंजिल से छलांग लगाई है, लेकिन वह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका और पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया। क्या है यहाँ पर भीड़ भाड़ लगी है, बताइए। हम लोग चेंबर पे काम कर रहे थे, उसी समय देखे भाई बयान हमसे लीजिए, कूदने की आवाज़ आई और व्यक्ति कूदा और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, इसलिए मेरी बैठने की चेंबर पे ऊपर कूद पड़ा तो मेरी ये बैठने का चेंबर भी पूरा टूट गया और बाल बाल बच गए। क्या नाम है आपका? राबेंद्र सिंह पटेल एडवोकेट। दौड़ करके उसको पकड़े भी, फिर पुलिस पकड़ ले गई। हाँ, वो अभी ले गई। इस तरह की लापरवाही पुलिस की लापरवाही है और पुलिस की लापरवाही की बदौलत ही वो आरोपी वहाँ से भागा और लगता है कई मामलों में वांछित भी है। तो ये इस तरह से हम तो बच गए, अन्यथा तो हमारी भी जान जा सकती थी। तो इसके जवाबदार जो पुलिस वाले जिस थाने वाले लाए होंगे वो लोग जिम्मेदार। क्या वो हथकड़ी खोल कर लाते हैं? जी हाँ। हम लोग अपने चेंबर में अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक ऊपर से गिरा। हम लोगों को ऐसा लगा कि शायद बिल्डिंग का ऊपर हिस्सा कोई गिर गया, लेकिन वहां पर कोई एक ऊपर से ने कोई मुस्लिम आकर के सीधे हमारे यहां पर हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर गिरा और सीधे आकर के यहीं पर एकदम सीधे गिर गया। हम लोग अपने अधिवक्ता का काम, पुलिस ने पकड़ लिया कैदी को। हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया। हम लोग ने पड़े अधिवक्ता। विंध्य क्षेत्र से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।